हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज ना इस वीडियो में मैं आपको पूरा विथ कैलकुलेशन मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन ये शो करूंगा कि किस तरीके से आप अगर टैक्सेशन और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बना रखा है ऑलरेडी, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या नॉन कॉमर्स हैं, बट ठीक है अकाउंट्स या टैक्सेशन में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो कैसे आप बहुत इजिली 17.4 लाख अर्न कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में 26 लाख तक अर्न किया जा सकता है। और जैसे ही मैंने ये अमाउंट बोली ना, एकदम लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट, मजाक कर रहे हैं ऐसे सर। इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस जैसे अपलोड होती हैं या जहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में इतना अर्न कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एक्चुअल में इतना अर्न कर सकते हैं क्या। तो गलती आपकी नहीं है या उन स्टूडेंट्स की नहीं है जिन्हें डाउट होता है, क्योंकि हमें सिर्फ ये सिखाया गया होता है कि एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद भी ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी या सब कुछ करने के बाद भी हमें 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी ही मिलने वाली है और हमें वो ही करना है। तो जब हम कोई हमें कहता है कि 1 लाख 2 लाख रुपए महीना भी आप आराम से अर्न कर सकते हो, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा डाउट होता है इन चीजों के ऊपर। तो उन्हीं सारे डाउट्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से इस एक्सेल शीट में आपको शेयर करूंगा, और ये एक्सेल शीट ना मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस लिंक को ओपन कर सकते हैं आप मोबाइल पे भी ओपन कर करके, और इसमें एडिट करके पूरा चेक कर सकते हो। यहाँ पे ना इस पे फाइल पे जाइएगा, मेक अ कॉपी पे क्लिक करना और ओके क्लिक कर देना, क्योंकि जो लिंक होगा वहां पे एकदम एडिट नहीं कर पाओगे आप, एक कॉपी इसकी क्रिएट करके फिर वहां पे एडिट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हम लेके चले हैं, मतलब आप ये सारा कुछ करने के लिए, ये सारी चीजें अर्निंग करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है, बिना नॉलेज के तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे नॉलेज में मतलब आपको ऑलराउंड नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई टैली का कोर्स कर लिया, सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया, बात हो गई, नहीं, वो नॉलेज नहीं है वहां पे। सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी उन्होंने सिखाने में करी, आपने सीखने में करी, एक सर्टिफिकेट ले लिया और आप कह रहे हैं मुझे जॉब नहीं मिली। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको जीएसटी की एक्चुअल प्रैक्टिकल अर्निंग ओरिएंटेड नॉलेज है, सेम इनकम टैक्स के साथ, सेम अकाउंटिंग टैली के साथ, और सिमिलरली जो आपके दूसरे वर्क होते हैं ना, जैसे एमएसएमई ऑडिट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन सारी चीजों की नॉलेज आपको अच्छे से है, ठीक है। मतलब जो एट प्रेजेंट जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डायमंड क्लब के अंदर सारा कंटेंट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें हैं। डायमंड क्लब मतलब एक कोर्स है जो मैक्सिमम कॉम्बो वाला कोर्स रहता है, ठीक है ना। ऐप के अंदर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बाकी डिटेल में बाद में करते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि एक साल में आपने टोटल मिला के 20 क्लाइंट बनाए, बहुत छोटी अमाउंट लेके चल रहा हूँ, 20 क्लाइंट्स। 20 क्लाइंट्स बनाना बहुत आसान है स्टार्टिंग में, मतलब टाइम लग सकता है, 20 क्लाइंट्स बनाने में आपको 4-5 मंथ्स तक हो सकता है लग जाए, वैसे इतना भी लगना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ 4-5 मंथ्स आपको लग जाएंगे। कैसे बनानी है, क्या बनानी है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक जो मैंने कोर्सेज के अंदर आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप मान के चलिए आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, एक बार उनको सोचिए, काउंट करिए कितने होंगे अंदाजा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ 40-50 तो होंगे जिनसे कभी बात होती है या नहीं होती है, डजेंट मैटर, ठीक है। क्लासमेट्स कितने रहे होंगे आपकी क्लास में, 50 तो जरूर रहे होंगे। ट्यूशन में कितने रहे होंगे आपके, वर्किंग साथ में कलीग्स कितने होंगे, या और दूसरे लोग जो आपके जिनको भी आप जानते होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे, बहुत सारे होंगे ना। जब आप प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं लिस्ट 300-400 क्रॉस कर जाएगी, उनमें से सिर्फ 20 लोगों को अपना क्लाइंट बोलना बहुत आसान है, ठीक है। और फिर शॉपकीपर्स वगैरह को सबको आप बना सकते हो, वो एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत इन डेप्थ कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपको फिर भी देखना है तो कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर ना 19 रुपए का कोर्स है, वो देख लेना प्रैक्टिस के ऊपर, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करता हूँ। टोटल क्लाइंट इन अ ईयर हम मान के चल रहे हैं आपने 20 क्लाइंट बनाने हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा इमिडिएटली बन जाएंगे, हम कह रहे हैं कि ठीक है आप 5-6 महीने बाद बना लेंगे, तो उसके बाद क्या आपकी अर्निंग होनी शुरू होगी। बहुत बेसिक बेसिक काम ले रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम, जिसकी एक नॉर्मल फीस है, बहुत नॉर्मल फीस है 2000 रुपीज। आप ये मत सोचिएगा कि सर हमारे उसमें तो 500 रुपये में भी होता है, 1000 रुपये में, वो काम आपको कभी करना ही नहीं है, आप क्वालिटी मेंटेन करके चलना है आपको, ठीक है ना। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग 1000 रुपीज, ये बहुत नॉमिनल फीस है। आईटीआर फाइलिंग के, इनकम टैक्स रिटर्न के फाइलिंग का 1000 रुपये, बहुत नॉर्मल फीस है। अकाउंटिंग मतलब बुक कीपिंग, जहाँ लोगों के अकाउंट्स आप मैनेज कर रहे हैं, उसकी बहुत 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 नॉर्मल फीस है 4000 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। अब इसमें भी डाउट होता है कि सर हमें कोई अकाउंटिंग का काम क्यों देगा। आप एक चीज मान के चलिए ना, मैं एक कंपनी है मेरी अपनी, या मतलब एक शॉप है मेरी, मैंने एक अकाउंटेंट को अपने पास रखा है अपने ऑफिस में, उसको मैं 15-20 हज़ार रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है। 15-20 हज़ार पे करने के बाद भी वो मिस्टेक करता है, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा दिन वो मेरा काम करता है, ठीक है। उसके बाद भी उसको जीएसटी इनकम टैक्स की नॉलेज है नहीं, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये में नॉर्मली मार्केट में कोई मिलता नहीं है इतने की जिसको अच्छे से नॉलेज हो। क्लाइंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसको पता है कि आप
बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हो, क्यों आप जीएसटी इनकम टैक्स सारा काम कर रहे हो, तो क्लाइंट ना आपके ऊपर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली एकदम रिलाई करता है। आप उनको कह रहे हो कि 4,000 का काम मैं करके दूंगा, जो 15-20 हज़ार रुपये में आप काम करा रहे हो वो 4,000 का मैं अपने पास करके दूंगा, अपने ऑफिस से करूंगा, आपके यहाँ नहीं आऊंगा, अपने ऑफिस से करूंगा, जीएसटी आईटीआर वगैरह सब मैं मैनेज करूंगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, डिटेल डिस्कशन इनका मैंने पहले वीडियोज में 19 रुपये वाले कोर्स में और एडवांस कोर्सेज में अच्छे से करूंगा, तो आप वो आपको काम बड़े आराम से देगा। ठीक है, इसी तरीके के फिर बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं, एमएसएमई का काम हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम हो गया, इंश्योरेंस का वर्क हो गया, आप चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह का भी उनका काम ले सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत छोटी सी अमाउंट हमने उसकी मान के चलिए 2,000 रुपये, करेक्ट। अब 20 क्लाइंट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 20 क्लाइंट का सिर्फ साल में सिर्फ 20 क्लाइंट का काम कर रजिस्ट्रेशन करो, महीने में नहीं पूरे साल में सिर्फ 20 क्लाइंट का 40,000 रुपये आपके यहाँ से हुए जनरेट। रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, 20 क्लाइंट आपके हैं, वो हर महीने आपसे रिटर्न फाइल कराएंगे, यानी कि 20,000 रुपये आप महीने के इससे अर्न कर रहे हो, जो कि 2,40,000 रुपये साल के हो जाते हैं। आईटीआर फाइलिंग आप 1,000 रुपये की कर रहे हो, इनकम टैक्स का क्लाइंट साल में एक बार आता है, वैसे इनकम टैक्स के क्लाइंट आपके पास 20 से ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ना इनकम टैक्स में सैलरी एम्प्लॉई छोटे मोटे बहुत क्लाइंट हो जाते हैं और वो सिर्फ इनकम टैक्स का काम कराते हैं, तो साल भर आते रहते हैं, मतलब आते साल में एक बार है, बट क्लाइंट बहुत सारे आते हैं उसके लिए, तो 50 क्लाइंट साल में आना बड़ी चीज नहीं है इनकम टैक्स में, जीएसटी में नहीं कह रहा हूँ, इनकम टैक्स में, बट फिर भी मैंने मान के चला कि बहुत थोड़े क्लाइंट की साल भर में सिर्फ आपके पास 20 क्लाइंट आ रहे हैं, साल भर में सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से आपने 20,000 रुपये कमाए। ठीक है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से आपने 4,000 रुपये कमाए एक क्लाइंट से, 20 क्लाइंट से आप 80,000 रुपये महीना कमा रहे हो और पूरे साल में 9,60,000 रुपये कमाए। जो दूसरे वर्क है उनसे 40,000 रुपये महीना, यानी 4,80,000 टोटल पूरे साल में 17,40,000 है। अब बात समझो, 20 क्लाइंट बहुत छोटी अमाउंट ली है मैंने, और फिर इसके अलावा जो यहाँ पे फीस है बहुत 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 नॉर्मल फीस है, इससे नीचे काम नहीं करना है, उस चीज के भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कोर्सेज के अंदर और प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा तो वीडियो का पर्पज ही चेंज हो जाएगा। इस चीज में अगर मैं पहले फीस को थोड़ा सही करूँ ना, जो एक्चुअल में आपको चार्ज करनी चाहिए, इनिशियली आप इतना चार्ज करो, बट 5-6 महीने बाद अपनी फीस इंक्रीज कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की 3,000 रुपये फीस बहुत सही फीस है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग 1,500 रुपये नॉर्मल फीस है, आईटीआर की 1,500 रुपये आराम से क्लाइंट पे करता है, अकाउंटिंग का 7,000 रुपये भी क्लाइंट बड़े आराम से पे करता है, और दूसरे की मैंने 2,000 माने। सिर्फ फीस चेंज करने से इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो 17,40,000 की इनकम थी अब आपकी 26,10,000 की इनकम हो। कैलकुलेशन आपके सामने, कहीं भी इम्प्रैक्टिकल लगता है, एक्सेल शीट आपके पास है, आपको जो चेंज करना है करके देखो, इससे नीचे मैं करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ नॉलेज है ना, तो इससे नीचे सर्विस देने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमने ना सीए को देखा है, हमारे सीए हैं या कोई भी है, हमारे एक इतने पढ़े लिखे हैं, वो एमबीए कर रखा है, उन्होंने ये कर रखा है, इतना तो वो भी नहीं अर्न करते, आप कैसे मजाक कर रहे हो? मजाक मैं नहीं कर रहा, आपके सामने सारी कैलकुलेशन है। सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं होता, ठीक है, उसको यूज करके कमाना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा भी देखेंगे टॉप कॉलेजेस के एमबीए जो कर रहे होंगे ना, वो बेरोजगार बैठे होंगे, और मैं बहुत बड़े एग्जांपल्स देता हूँ कि आपने देखे होंगे जैसे ओयो का ऑनर होगी, ठीक है ना, या चायो जैसी कंपनी होगी, वाव मोमोज होगी, मतलब क्या कर रहे हैं ये चाय बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो सिर्फ चीज इसमें नहीं है कि आपकी एजुकेशन क्या, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे उसको यूज करके अर्न कैसे किया जा सकता है। तो जब कोर्सेज की बात होती है ना, स्टूडेंट कहते हैं कि सर कोर्स करना है, मैं कहता हूँ मैं ये कोर्स नहीं है, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूँ या इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, वो तो फिर भी ठीक है, कहीं पे भी आप कैसे भी सीख लोगे, उसके बाद अगर आप कमा नहीं पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज का। यहाँ पे अर्निंग ओरिएंटेड है, ये स्किल्स डेवलप करी है, इसके अंदर मैंने पूरा फोकस इस चीज पर रखा है कि क्लाइंट्स कैसे बनाने, कैसे उनको कैटर करना, तो वो चीज आना आपको बहुत जरूरी है जो कि उसमें सिखाया गया है, और उसका सारा तो नहीं बट मेजर पार्ट 19 रुपये वाले कोर्स के अंदर कवर्ड है जो ऐप के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि चलो 20 क्लाइंट भी आपको लग रहा है ज्यादा, इसको 10 कर दें, 10 क्लाइंट करें, 8,70,000 रुपये अब भी साल के आप कमा रहे हो सिर्फ 10 क्लाइंट पे साल में, सिर्फ 10। और एक चीज ध्यान रखना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप इससे ज्यादा करोगे, क्योंकि 20 क्लाइंट तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ 20 क्लाइंट आए थे जिनका परमानेंट क्लाइंट है वो आपके, एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन कराने बहुत आएंगे जो हो सकता है बाद में आपसे बाकी काम ना करें, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन साल में इससे ज्यादा होंगे, बट मैं बहुत नॉर्मल कम से कम लेके चल रहा हूँ इसी से 8,70,000, और अगर प्रॉपर फीस चार्ज करते हो तो 13 लाख रुपए। चलो इसको 5 क्लाइंट भी रहते, 5 क्लाइंट तो बना सकते हो, 5 क्लाइंट आपकी कॉलोनी में कितनी शॉप्स होंगी, ठीक है, और कितने वो होंगे आपके
रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स बिजनेस नहीं होगा, उनके पेरेंट्स का तो होगा ना, एक छोटी सी शॉप जिसका 20 लाख या 40 लाख जैसा केस है, उससे ज्यादा जिसका सेल है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको काम कराना है अपना। और आपको फायदे बताने आने चाहिए, आप जिसको जीएसटी की जरूरत नहीं होती है ना, वो भी आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेगा, और आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, उसको फायदे बताना आपको पता होना जरूरी है। और ये सब चीजें ना, ये नहीं रिटर्न फाइलिंग सीख ली उससे आप कर लोगे, उससे नहीं कमा पाओगे। रिटर्न फाइलिंग सीख के तो सिर्फ ये मान के चलो आप अगर साल भर में 2-3 लाख रुपए कमा लेते हो बहुत है, उसके पीछे की सारी नॉलेज होना चाहिए। और एक्चुअल में मैं अगर बताऊं, आप प्रॉपर मेहनत करते हैं, 50 क्लाइंट आप साल भर में कर सकते हो। 50 क्लाइंट, 50 क्लाइंट का मतलब क्या हुआ, मैं इसको एक बार कर दूं, मतलब आपको हर महीने कितने क्लाइंट बनाने, 4। अगर हर महीने 4 क्लाइंट बनाते हो तो साल भर में आपके पास 50 क्लाइंट हो जाएंगे, ठीक है ना, नए हर महीने 4। हर महीने का मतलब सिर्फ हफ्ते में एक क्लाइंट आपके पास आ गया तो आपके पास 50 क्लाइंट हो गए। 50 क्लाइंट होने पे ही आप 43 लैक्स अर्न कर रहे हो, और यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर कैलकुलेशन कर देते हैं 65 लैक्स। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, अब बात समझो, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आईटीआर फाइलिंग छोड़ देते हैं ना, मतलब आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं, इसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है, 50,000 रुपये कमा पा रहे हैं 50 क्लाइंट होने के बाद, और सर इसमें ना ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं ना सर, सारा फोकस ना इस पर रखते हैं और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर रखते हैं, इसी से हमारा सारा काम हो रहा है। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको एक चीज बताऊं कि जो कोर्स है ना, कोर्स में जो डायमंड क्लब है उसकी वैल्यू इसीलिए बहुत ज्यादा है कि स्टूडेंट इतना ज्यादा उसको एनरोल करते हैं। उस कोर्स की फीस इस टाइम पे, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20,000 रुपये, ठीक है, जल्दी बढ़ जाएगी, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम इंक्रीज हो, तो आप ये मत कहना कि सर वीडियो में आपने कम बताया था, हाँ मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ इंक्रीज हो सकती है फ्यूचर में। अब 20,000 की आपका कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर 16 कंटेंट कोर्सेज आपके कवर हो जाते हैं, जब आपको ऑलराउंडर नॉलेज होगी ना तभी फायदा होगा। होता क्या है, एक क्लाइंट आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने आया था, अब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, वो आपसे सारे काम करवाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आया ना, उनको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी दो, उनकी जीएसटी रिटर्न भी करो, जब वो आपसे करा रहे होंगे उनको धीरे धीरे इनकम टैक्स का काम भी ले लो, फिर उनसे धीरे धीरे अकाउंटिंग का काम ले लो, जो अकाउंटिंग के लिए आया उनका जीएसटी ले लो, जो इनकम टैक्स के लिए आया उनका जीएसटी ले लो, जीएसटी वाले का इनकम टैक्स ले लो, मतलब सब लूप एक साथ होने चाहिए। और क्लाइंट को अगर एक ही जगह पर सारी चीजें मिल रही है ना, कभी छोड़ के भी नहीं जा पाएगा। मार्केट में ऐसे बहुत कम प्लेयर होंगे जो सारी सर्विसेज अच्छी क्वालिटी में दे रहे होंगे, लो लेवल का वर्क ज्यादा करते हैं, इस तरीके का काम कम लोग करते हैं। तो सारी कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो ये, और सब कुछ मैंने बहुत लो उस पे लेके चला है। आप चाहें तो जैसे चाहें उसको चार्ज कर सकते हैं, ये वैसे मैं मना नहीं करूंगा इसको चेंज करने के लिए, मतलब कहूंगा नहीं कि इसको चेंज करो, बट आपको इसको चेंज करना है इस एक्सेल शीट में, आप चेंज कर सकते हो। आपको लगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझे इतने में करना है, ठीक है भाई, 17,30,000 रुपये हो गए, ठीक है, मुझे रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये लेने हैं, ले लो 16 लाख, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके, ठीक है। तो इस शीट को आप आराम से कॉपी करके एडिट करके देखो, उसमें सारी चीजें समझो, और पता है क्या, आपकी थिंकिंग के ऊपर होता है हम क्यों ग्रो नहीं कर पाते, मतलब अपने करियर को ना क्यों बेहतर नहीं बना पाते, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। गेम खेलने के लिए ना, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए या फिर फ्री फायर खेलने के लिए, वहां पे हमें 30,000 का मोबाइल चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन चाहिए गेम के अंदर, ताकि हम लेवल अप कर पाए, नए कस्ट्यूम्स ले पाए, कपड़े पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हर महीने हमें 300-400 रुपये का मोबाइल रिचार्ज चाहिए, ये सारी चीजें कर रहे हैं सिर्फ गेम खेलने के लिए। उससे क्या होगा, सिर्फ नुकसान, हर चीज का नुकसान, कोई फायदा उससे हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एंजॉय नहीं करना चाहिए लाइफ में, करो, बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड 20,000 रुपीज कोर्स, या कोई भी छोटी से भी आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने लायक फाइनेंशियल पोजिशन नहीं है, तो हाउ यू कैन यूज द मोबाइल ऑफ 20-30,000 रुपीज। हम वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, बट अगर हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं तो किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉलेज में लाखों करोड़ों रुपए दे आएंगे, बट अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में जहां से रियल लाइफ है वहां पे कई स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और उसी का लाइफ है फिर वो 10-15 हजार रुपए की जॉब कर रहे होते हैं। अगर आपने 20,000 रुपए स्पेंड करके एक साल में अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, इससे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगी, और ये तो स्टार्टिंग है, ये कभी डाउन नहीं होता, रिस्क फ्री बिजनेस है और ये कभी डाउन नहीं होगा, इसमें क्लाइंट हर साल ऐड होते जाएंगे। आज से 10 साल बाद की बात सोचो, अब अमाउंट बहुत बड़ी हो जाएगी, घबराना नहीं, कहना कि सर क्या है, हर साल मैं कह रहा हूँ 20 क्लाइंट हर साल आ रहे हैं आपके पास, और स्टार्टिंग में चैलेंज होता है, उसके बाद तो क्लाइंट एक दूसरे को बताते चले जाते हैं, 200 क्लाइंट हो गए 10 साल बाद, कह रहा हूँ 10 साल बाद, अमाउंट देख लो आपके सामने 1,74,00,000 रुपये,
का आप अर्न कर लोगे, बट क्या मजाक है? नहीं, मेहनत चाहिए इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि कोर्स लिया और बैठ के आराम से कि परचेस करके कि हाँ मैंने तो सीख लिया अब हो जाएगा, नहीं, नॉलेज चाहिए। और नॉलेज, अगेन आई एम सेइंग, सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी सिस्टम वर्क करता है, एक चीज़ को लेके वर्क नहीं करता है। जॉब से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस को इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्कोप है, क्या आप जॉब में कभी भी इतना अर्न कर पाओगे क्या? मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप उसको अर्न करो। प्लस प्रैक्टिकल आना चाहिए कि क्लाइंट को कैसे समझाना है, अदरवाइज आप ये सारा सीख के भी क्लाइंट को जब तक टैकल करना नहीं आएगा ना, आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। आप सीए के अंडर में सीखते रहोगे या एडवोकेट के अंडर में, और वहां पे तो 5-6 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये में ही काम करते रह जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको लिंक फाइल का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको चेंज करके जैसा भी आपको देखना है एक बार देखना, अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करो, चेक करो कि आपके हिसाब से मिनिमम कितना अर्न कर रहे हो, और अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो क्या वहां पे इससे ज्यादा अर्न कर लोगे आने वाले 5-7 साल में? हो सकता है पहले साल आपको फिर भी 1% लग जाए कि वहां ज्यादा अर्न कर रहे थे, बट लॉन्ग टर्म सोचो और फिर डिसीजन, ठीक है? फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट करना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जैसे अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है या आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, स्मार्शियस या स्टोर पे सीए पीयूष गुप्ता सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शायद मिल जाएगा आपको। अगर ऐप में देख रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ऐप के अंदर ना 1 रुपये के कोर्सेज हैं, वो एनरोल करना, 1 रुपये में फ्री कोर्सेज हैं, जस्ट यू नीड टू पे 1 रुपये, वो कोर्सेज एनरोल करना, उनको देखना, जितने भी आपके डाउट है ना इस करियर को लेकर सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं खुद वहां पे वीडियोस में वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? वो देखो, अच्छे से इवेल्युएट करो, सही लगता है तो ही इसमें करियर बनाओ, नहीं लगता है तो दैट्स टोटली ओके, आपका 1 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन समझ तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा आ जाएगी आपके में नॉलेज, ठीक है? चलिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।